नमस्कार साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपको बताएंगे कि नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से आप कोई भी कोर्स करते हैं जिसमें असाइनमेंट दिया रहता है तो असाइनमेंट को कैसे लिखा जाता है, असाइनमेंट लिखने पर क्या क्या सावधानियां बरतनी पड़ती है और असाइनमेंट पूरा होने के बाद उसमें सब्जेक्ट कुछ दिए रहते हैं जैसे नाम होता है और रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, रोल नंबर होता है, बाकी और भी बहुत सारे डिटेल होते हैं और उस सबको कैसे लिखा जाता है इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरा बात समझ में आ जाएगा, यानी कि जानकारी मिल जाएगा। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा क्योंकि मैं पूरा डिटेल जो है असाइनमेंट से रिलेटेड मैं खुद असाइनमेंट बनाया हूँ और खुद से मैं सोचा कि क्यों नहीं मैं दूसरे किसी को भी थोड़ा सा जानकारी दे दूँ ताकि असाइनमेंट कोई लिख रहा है तो उसमें उसे कोई गलती ना हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए ये जो आप सामने देख रहे हैं ये असाइनमेंट है जो नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी द्वारा ये प्रोवाइड किया जाता है, ये खुद से ये कवर दिया जाता है, ये कवर है। अभी इसके अंदर हम जो मटेरियल रखे हैं वो मटेरियल को आपको दिखाने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले ये नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी है, आप देख सकते हैं नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी और यहाँ पर उसका अपना जो है पूरा जो है डिटेल लिखा हुआ है, पटना में है, जो थर्ड फ्लोर पर है, बिस्कुमान ना भवन में है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि इस जो है कवर जो होते हैं इस कवर पर आप जो है जो लिफाफे हैं इस लिफाफे पर कुछ ऑप्शन दिए होते हैं, उन ऑप्शन को क्या भरेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप यहाँ पे टाइटल दिया हुआ है कोर्स टाइटल, तो कोर्स टाइटल में आपका जो भी कोर्स होता है, जैसे यहाँ पर मेरा MSc मैथ है और पार्ट वन है कि पार्ट टू है आपको ये लिखना है, तो कोर्स टाइटल में आपको अपना सब्जेक्ट लिखना है और यहाँ पर इनरोलमेंट नंबर लिखा है। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि इनरोलमेंट नंबर क्या होता है, तो इनरोलमेंट नंबर मैं उनको बता दूं कि इनरोलमेंट नंबर मतलब जो है रोल नंबर होता है, दोनों सेम होता है, इनरोलमेंट नंबर और रोल नंबर ये दोनों का दोनों सेम होता है। ये आप रोल नंबर भी यहाँ पर भर सकते हैं, यदि आपके एडमिट कार्ड आपके पास होगा तो आपको दोनों देखिएगा दोनों पर एक ही लिखा होता है, तो इनरोलमेंट नंबर और रोल नंबर दोनों एक ही होता है। तो कन्फ्यूज नहीं होना है कि इनरोलमेंट नंबर क्या होता है और रोल नंबर क्या होता है, दोनों एक ही होता है, दोनों में से कोई भर सकते हैं और एडमिट कार्ड पर मिलाएंगे तो मिल भी जाता है। आपको एडमिट कार्ड पर जो दिया रहता है वो रोल नंबर होता है और एक जो है आईडी कार्ड होता है, आइडेंटिटी कार्ड, उस पर ये जो है इनरोलमेंट नंबर दिया रहता है, दोनों एक ही जैसा होता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं नेम ऑफ स्टूडेंट है तो मैं अपना नाम लिखा हूँ और यहाँ पर पेपर लिखा है तो पेपर सेकंड है, मैं सेकंड लिखा हूँ। अब डेट ऑफ सबमिशन है कि किस डेट को ये भराएगा जमा होगा, तो मैं जिस दिन इसका एग्ज़ाम दूंगा उसी दिन इसको डेट मतलब फिलअप करूँगा और ले जा करके जमा कर दूँगा। नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी का ये सबसे बड़ी मतलब ये बहुत बड़ी बात ध्यान देने वाली है कि आप जिस दिन एग्ज़ाम देने जाएंगे उसी दिन जो है आपको जो है उस असाइनमेंट को ले जाना है और उसका डेट भी उसी दिन आपको मेंशन करना है और मेंशन करके ले जा करके तब जो है परीक्षा हॉल में ही ये जमा होता है और ये दोनों कापियाँ और ये आपका कापी और ये असाइनमेंट दोनों एक ही साथ जमा होते हैं। तो प्लीज़ आप इधर उधर नहीं जमा करेंगे, आप एक साथ ही जमा करेंगे। चलिए आगे हम आपको बता देते हैं इसमें से कुछ कंटेंट दिया हुआ, इस कंटेंट को आपको निकाल कर दिखाते हैं। आइए ये आपको हम आपको पूरी बात दिखा देते हैं, ये मैंने खुद से लिखा है तो आप तक शेयर कर देते हैं। ये देखिए ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये होता है कि थोड़ा सा इसमें कुछ दिया रहता है वो भरने में काफ़ी दिक्कत होता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे सब चीज़ असाइनमेंट है और यहाँ पे परीक्षा का नाम है और परीक्षा का वर्ष है और विषय है, पत्र है, तो थोड़ा सा इसमें बाकी लोगों को बहुत सारे लोगों को दिक्कत होता है कि क्या क्या भरना है, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से उनको बता दूं ताकि उनको भी दिक्कत ना आए। जैसे परीक्षा का नाम है तो परीक्षा के नाम में आप अपना किस कोर्स कर रहे हैं, मैं MSc मैथ कर रहा हूँ पेपर पार्ट वन है तो यहाँ पर लिखना है। फिर परीक्षा का वर्ष, तो कुछ लोग परीक्षा का वर्ष इधर उधर लिख देते हैं तो थोड़ा सा आप जिस सेशन में एडमिशन लेते हो वही सेशन, जैसे 20 और 21 मेरा सेशन है तो 20 से 21 ही लिखेंगे। 2020 भी कुछ लोग लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, 2020 लिखें तो, लेकिन हमको एग्ज़ाम जो होगा वो 20 और 21 का सेशन है तो इसलिए मैं लिख दिया हूँ और 20 है यहाँ पर मैं मैथमेटिक्स लिखा हूँ और पेपर जो है मैंने पत्र मतलब पेपर यहाँ पर 2 है तो 2 मैं लिखा हूँ।
अब यहाँ पे एक और ऑप्शन आपको बता दें कि यहाँ पे कोड संख्या लिखा है, ये आपको नहीं भरना है, यहाँ पे कोड संख्या नहीं भरना, और यहाँ पे कोड संख्या यहाँ पे भी है, ये आपको नहीं भरना है। और ये परीक्षक द्वारा प्रदत्त ये तीन प्रश्न दिए गए हैं, तीनों में से आपको कुछ नहीं, इसमें कुछ भी हाथ नहीं लगाना है, इसको ऐसे ही छोड़ देना है। ये जो टीचर होते हैं जो कॉपी जाँच करते हैं, वो इसमें तीन प्रश्न इस असाइनमेंट में दिया है, तीनों में से कोई दो को बनाना है, तो इसमें से आपको दो जो आप बनाए होंगे उसका वो नंबर, जैसे मानकर चलिए आपने तीन नंबर बनाया तो तीन नंबर का वो नंबर चढ़ाएगा, एक नंबर बनाए तीनों में से को दो बनाना है, दोनों में से कोई कोई जो नंबर जो आप जो लिखेंगे उसका नंबर वो दिया जाएगा। अब बात करेंगे आगे, आप देखिएगा जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्रमांक है, क्रमांक मतलब रोल नंबर होता है, यहाँ पे मेरा क्रमांक है यानी कि रोल नंबर है, मैं फिलअप कर दिया हूँ। क्रमांक अक्षरों में लिखना है तो मैं एक एक करके लिखा हूँ, जैसे आप 200 यानी कि 2002 है ना, 90761 में लिखा हूँ। यहाँ पे पंजीयन संख्या मतलब रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, तो पंजीयन संख्या आपको यहाँ पे लिखना है, और यहाँ पे ध्यान से देखिए ये पंजीयन संख्या आपको लिखना है, स्लैश करके किस सेशन में आप पंजीयन संख्या के पास ही देखिएगा, यानी रजिस्ट्रेशन नंबर पर ये सब दिया रहता है, ये आपको लिख देना है। 2020 में एडमिशन लिया हो तो 20 लिखा होगा, 21 में लिखें तो 21, वो सब देता है उसी पर एडमिट कार्ड पर रहता है, और वो सब चीज़ उसी पर फिलअप होता है आपके एडमिट कार्ड पर ही, तो आपको लिख देना है रजिस्ट्रेशन नंबर। परीक्षा का नाम फिर वही MSc मैथ लिखना है पार्ट वन, परीक्षा का वर्ष 20 और 21 है, सेशन मेरा 20 से है मैथमेटिक्स, और पेपर जो है सेकंड है, और समूह में है तो समूह मतलब ऐसे साइड पर कुछ सूचना नहीं मिला था तो मैं इसको छोड़ दिया हूँ, इसको जो है आप छोड़ भी सकते हैं, वो लोग अपना फिलअप कर लेंगे। फिर लिपि है, तो लिपि में थोड़ा सा लिखना ज़रूरी है कि आप इंग्लिश में मीडियम में लिखेंगे, हिंदी तो हिंदी में लिखेंगे, तो देवनागरी लिखेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे, तो रोमन में इंग्लिश में लिखूंगा तो रोमन लिख दिया हूँ। और सत्रीय जमा करने का तिथि है, तो जमा करने की तिथि आपको जिस दिन ये जमा होगा उसी दिन आपको लिखना है। तो उम्मीद है कि आपको जो है ये असाइनमेंट का जो ऊपर का जो लेवल होता है ये कैसे भरा जाता है ये आप समझ लिया होंगे, और बाकी थोड़ा सा असाइनमेंट लिखने पर काफ़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है, इसको जितना अच्छा हो सके जितना सुंदर हो सके उतना सुंदर आपको लिखना है और अच्छे से लिख करके, और जिस दिन परीक्षा होगा जिस पेपर का होगा उसी दिन उसको लेकर जाना है, जैसे पेपर वन का होगा तो पेपर वन का ले जाएंगे, टू का होगा टू का ले जाएंगे, एक ही दिन सब नहीं ले जाना है, जिस दिन जिस विषय का होगा उसी दिन आपको लेकर के जाना है और उसको परीक्षा हॉल में ही आपको जमा करा दिया जाएगा। तो इस तरीका से आप समझ गए होंगे। अब थोड़ा सा ये आप देख सकते हैं ये असाइनमेंट है मेरा, ये मैं लिखा हूँ, और हैंडराइटिंग तो सुंदर होना चाहिए, जैसे भी हो हैंडराइटिंग मैं कोशिश किया हूँ सही करके लिखने का। ये हैंडराइटिंग है आप देख लीजिए, ये हैंडराइटिंग जितना सुंदर लिखेंगे उतना ही ज़्यादा मार्क्स मिलता है, ये हैंडराइटिंग है, सुंदर लिखना है, जितना सुंदर लिखेंगे उतना ही सुंदर होगा, ओवर लिखेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत होता है, नंबर कटने का काफ़ी चांस होते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा आपको अच्छे से लिखना है और लिख करके आपको अच्छे से जो है कॉपी को जो है असाइनमेंट को जमा करना है। तो इस तरीका से आप लिखिए और अपने असाइनमेंट को जमा करिए, और फिर भी कोई दिक्कत हो अगर MSc के बारे में आप कुछ अगर आपको जानकारी और भी चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं उस पर भी वीडियो बना दूँगा और आपको बताऊँगा। तो ये देखिए इस तरीका से ये जानकारी आपको कम्प्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। जय हिंद।